आम आदमी के लिए बहुत ही आम चीज। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आज तक तंदूर में बना खाना न खाया हो, पर उस रात के बाद तंदूर की परिभाषा बदलने जा रही थी। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, तंदूर में मिली राज मालिक फरार। ढाबा तो तेरा है ना? ढाबा तो स्टाइल भैया का है। एक एंटीसिपेटरी चाहिए। ये ऑपोजिशन वालों ने पूरी प्लानिंग से मुझे फंसाया है। अपोजिट पार्टी वाले लोगों ने ना साहब मेरे को यू पे दिए थे 10,000 रुपए। तो मतलब आपका कहे के मुताबिक ये जो लाश है वो पलक शर्मा की है, साहिल शर्मा की पत्नी। तो हम सफर है मेरी, है मुझे सिर्फ एक अंगूठी और पायल के दम पे, क्योंकि वो अंगूठी मैंने दी थी। अगली बार तो मेरी बीवी के साथ नजर आया तो तेरे गोटे काट के तेरे मुंह में ठूस दूंगा। न्यूज वालों से बचकर रहना, मुझे कोई लीक नहीं चाहिए। ये लौंडा साहिल शर्मा दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम्हारी बेल कैंसिल हो गई है, तुम्हें उन तक पहुंचना है इसके पहले कि वो तुम्हारे पास पहुंच जाए। दिल्ली की तंदूर कांड में साहिल शर्मा की कल कोर्ट में पेशी। क्या हमारा कानून इस इंसान को सजाए मौत देगा? मैं जानता हूँ कि दुनिया की नजरों में मैं एक राक्षस हूँ, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैं आज भी पलक से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले दिन किया था।